मनोवैज्ञानिक आराम एक आजीविका है जिसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना आवश्यक है। आइए इसे प्राप्त करने के ढंगों को जानें। आधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के बावजूद दुनिया मानसिक रोगों और तनाव के प्रसार से ग्रस्त है। इसका कारण है अल्लाह से दूरी। सर्वशक्तिमान अल्लाह ने कहा है, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, उसके लिए कोई शांति नहीं है एवं न ही उसको हार्दिक शांति प्राप्त होगी, बल्कि उसकी पथ भ्रष्टता के कारण उसकी छाती संकीर्ण हो जाती है, यद्यपि बाहरी रूप से वो समृद्ध ही क्यों न दिखाई दे। अल्लाह की आज्ञाकारिता का एक तात्कालिक प्रतिफल मन की शांति है। सर्वोच्च अल्लाह का कथन है, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنُهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ, अर्थात इस संसार में उसकी जीविका के मामले को ठीक करेगा और इसके साथ साथ पर लोक में भी उत्तम बदला देगा। मन की शांति सभी मामलों की सुधार का संग्रह है। ईमान के कारण शांति एवं मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्राप्त होती है। अल्लाह ताला का फरमान है, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن, अर्थात हार्दिक शांति एवं सुरक्षा अल्लाह ताला की आज्ञाकारिता एवं उसकी भक्ति से दोनों लोक का आनंद प्राप्त होता है। सर्वशक्तिमान अल्लाह का कथन है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, यह तीन भूमिकाओं में है, संसार में, कब्र में तथा इसकी पूर्णता आखिरत में होगी। जो अल्लाह की कजा व कदर अर्थात इच्छा और नियति से संतुष्ट हो गया उसे मन की शांति प्राप्त होगी। अलकमा से अल्लाह ताला के इस कथन के संबंध में प्रश्न किया गया, वमन युमिन बिल्लाहि यहदी कल्बह, तो उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जिसे कोई दुख पहुंचे तो वो यह समझे कि यह अल्लाह की ओर से है तो इसे मान ले और प्रसन्न हो जाए। जान ले कि सुख मन की शांति में है, धन की प्रचुरता में नहीं, जो कि अल्लाह का स्मरण करने एवं उससे निकट होने पर प्राप्त होती है, न कि उसको भूल जाने, उससे दूर होने एवं संसार में व्यस्त हो जाने पर। अल्लाह ताला का फरमान है, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب,